खबर टिहरी से है, जहां भारी बारिश के बावजूद नरेंद्र नगर में बड़ी ही धूमधाम से वाल्मीकि समाज ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई। कार्यक्रम के अध्यक्ष विकास डुगरा और उपाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों पर झांकी निकाली गई। झांकी के दौरान बच्चों ने शानदार नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे। बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए झांकी महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में पहुंचते ही एक सभा में तब्दील हो गई। सभा के दौरान महर्षि वाल्मीकि पर युवक युवतियों ने शानदार नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि वे संस्कृत रामायण महाकाव्य के रचयिता हैं। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वाल्मीकि बस्ती में सामुदायिक केंद्र निर्माण हेतु विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही झांकी के दौरान बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुषों में बड़ा उत्साह भी नजर आया। सुबोध उनियाल द्वारा वाल्मीकि समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए वाल्मीकि समाज ने उनियाल का आभार भी व्यक्त किया। वाल्मीकि जयंती समारोह वाल्मीकि समाज द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री हैं और राजेंद्र विक्रम सिंह कुमार नगर पालिका अध्यक्ष जयंत नगर जो भी मौजूद थे, उन्होंने हमारे समाज के मंदिर के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा दी है। और मेरा ये कहना है कि हमारा समाज इस तरीके के कार्य करता रहता है और जो हमारे समाज में जो जुड़ते सभी महानुभाव, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। नौजवान है लगातार अब वो शिक्षित हो गए और शिक्षित होने के कारण लगातार उन्होंने वाल्मीकि जयंती को मनाने के तरीके में काफी इजाफा किया और काफी भव्य रूप से आज इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से वाल्मीकि प्रभु वाल्मीकि की जयंती पर वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखा है, हिंदू धर्म के इतना बड़े ग्रंथ को जन्म किया जो आज हमारी संस्कृति का एक प्रतीक भी है और हम लोग राम के आदर्श में जन्म रहा था।